आज मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए सुपर सुपर सॉफ्ट और एकदम माउथ मेल्टिंग इडली ढोकला। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और एक ही बार में परफेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा और इतनी आसान लगेगी ना आपको ये कि आप बार बार बनाएंगे। मैं धनबाद झारखंड से हूँ, वहाँ पर मधुलिका एक बहुत ही बड़ा आउटलेट है, वहाँ पर इस तरह का ढोकला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये ढोकला खाने में। तो जो भी लोग झारखंड से हैं, धनबाद से हैं, उन्हें पता होगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने मधुलिका का ढोकला खाया है या नहीं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। वैसे ढोकला बनाने में बहुत ही कम सामान लगता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है मेजरिंग कप। तो सारी चीज़ें आपको नाप करके मेज़र करके ही लेना है, कुछ भी अंदाजे से नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी, एक बाउल में डाल देंगे, बड़े से बाउल में। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून के करीब नमक। तो मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रखिएगा, जो ढोकला है बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी जितना हींग, हींग डालना ऑप्शनल है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, जो कि है नींबू सत, जिसे कि नींबू फूल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे साइट्रिक एसिड बोलते हैं। मार्केट में जो ढोकला है वो इसी से बनाया जाता है, इनो वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इससे बने हुए ढोकले बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा, आप नींबू सत के नाम से ढूंढिएगा, बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कद्दू कस करके जिंजर, मतलब अदरक, और आप चाहें ना तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची को भी कद्दू कस करके ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी और 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली का तेल। अगर मूंगफली का तेल नहीं हो तो आप कोई सा भी यहाँ पर रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीनी है और साइट्रिक एसिड वगैरह, हम सारी चीज़ों को यहाँ पर पानी में अच्छे से घोल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे बेसन। तो बेसन कैसा लेना है आपको, बेसन एकदम फाइन, जो एकदम महीन होता है ना, वही बेसन का इस्तेमाल करना है। मोटा बेसन आपको यहाँ पर नहीं लेना है, मतलब कोई कोई ब्रांड का ही बेसन जो है एकदम फाइन आता है, या फिर आप घर का बेसन ले। तो दबा दबा करके हम यहाँ पर 2 कप बेसन ले लेंगे, बिल्कुल भी आप इसी तरह से लाइटली मत डालिएगा, 2 कप अच्छे से दबा करके भर करके आपको यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसे ही ले लेंगे तो फिर मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। और बेसन को हमेशा छान करके ही इस्तेमाल करना होता है ढोकला में, ताकि जो ढोकला है हमारा बहुत ही एयरी, लाइट और एकदम स्पंजी बन करके तैयार हो। 1 कप मैंने यहाँ पर ऐड किया है, उसे हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। फिर हम 2 कप यहाँ पर वापस से छान करके ही इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो पहले मैंने 1 कप पानी डाला था और बाद में अब मैं यहाँ पर 1/2 कप और पानी ले रही हूँ। तो 2 कप बेसन में आपको 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी के करीब हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और इसी तरह से आपको हल्दी को बाद में ऐड करना है, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार ढोकले के ऊपर वो रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, तो आप डायरेक्ट सिट्रिक एसिड के साथ हल्दी ऐड कर देते हैं या फिर ज़्यादा ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से ये होता है। वैसे मार्केट में कलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो कलर डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 कप पानी पहले डाला था और 1/2 कप बाद में मैंने डाला है, और इसे अच्छे से फेंटना है आपको 5 से 6 मिनट तक के लिए, और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इसी से जो ढोकला है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, और इस तरह से इसके ऊपर ना बबल्स आ जाते हैं। ढक के रख देंगे इसे 10 मिनट तक के लिए। देखिए, आधा ही पानी का इस्तेमाल हुआ है, आधा बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो बैटर है हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर अपना स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं नॉर्मल ढोकले के शेप में भी बनाऊंगी और इडली मोल्ड में भी बनाऊंगी, क्योंकि ये जो इडली स्टैंड है ना मेरा, इसमें ढोकला बनाने का साँचा एक ही है और इडली बनाने का 2-3, तो मैं एक ही साथ डाल देती हूँ ताकि दोनों ही शेप में एक ही बार रेडी हो जाते हैं। और ये इडली शेप वाला ढोकला भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल करके स्टीमर को गर्म होने के लिए रख दिया है। मोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेंगे।
आप चाहें तो इसे इडली स्टैंड में बनाएं या फिर किसी बड़े से थाली में बना लें जिसका कॉर्नर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, या फिर केक टिन वगैरह होता है उसमें भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना वही ऐड किया, 1 टीस्पून ऐड करना है आपको, और 1 चम्मच पानी ऐड करके इसे एक ही डायरेक्शन में आपको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा ना कि ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा और एक ही जगह पे मतलब जो सोडा हमने ऐड किया था ना वो रह जाएगा और फिर हमारे ढोकले अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन ये स्टेप जल्दी जल्दी ही करना है, लेकिन अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से। और सोडा डालने से पहले यहाँ पर सारी तैयारी हो जानी चाहिए, जैसे कि स्टीमर रेडी करना या फिर मोल्ड में ऑयल वगैरह लगाना, क्योंकि सोडा डालने के बाद तुरंत ही हमें इसे मतलब स्टीम करना होता है। और इडली स्टैंड में बनाने से एक और फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ठंडा होने में। मीडियम फ्लेम पे इसे ढक करके आपको सिर्फ 15 से 18 मिनट तक के लिए स्टीम करना है, उतने में ही ये अच्छे से रेडी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर बाकी की तैयारी कर रही हूँ तड़का लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्ची को स्लिट कर लिया है, साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ले लेंगे, कड़ी पत्ता ले लेंगे और थोड़े से मैंने यहाँ पर ताज़ा नारियल ले लिए हैं। यहाँ पर 17 मिनट हो चुके थे और मैंने देखा यहाँ पर ढोकला हमारा रेडी हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। और अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं इसके लिए एक तड़के वाला पानी। तो बहुत ही बेसिक सा तड़का रहता है, इसमें 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें वापस से मूंगफली का तेल ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें बारीक वाली राई ऐड की है, 2-3 हरी मिर्चें, 8-10 कड़ी पत्ता और 1 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। साथ ही वापस से इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना मीठा आपको पसंद है। वैसे जो ढोकला है थोड़ा सा जूसी रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पर जो हमारा तड़के वाला पानी है वो मैंने बंद कर दिया है गैस को, मतलब चीनी को मेल्ट होने तक के लिए आपको इसे पकाना है। और देखिए हमारा ढोकला यहाँ पर ठंडा हो चुका था, तो मैं इसे यहाँ पर डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर जाली आई है इसमें। तो जो ढोकला है ना बनाना बहुत ही ईजी है, सारी चीज़ों को मेज़र करके लीजिएगा, मेजरमेंट परफेक्ट रखिएगा और बिल्कुल बारीक बेसन का इस्तेमाल कीजिएगा। जो ढोकले हैं बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। आप इन्हें किटी पार्टी में बनाएं, बच्चों के बर्थडे पार्टी में बनाएं, या फिर घर में ऐसे ही खाने को मन कर रहा हो तो बनाएं। 2 कप बेसन से यहाँ पर ढेर सारा ढोकला बन करके तैयार हो जाता है। ट्राई कीजिएगा ना तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। वैसे ढोकले की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स थे। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। वैसे अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो मार्केट से भी बेहतर ढोकला घर में बन करके तैयार होगा और आप इसे हर बार ऐसे ही घर में बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही जूसी और बहुत ही स्पंजी बन करके तैयार हुआ था ये ढोकला। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर तड़के वाला पानी ऐड किया। जब आप तड़के वाला पानी ऐड कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा लुकवॉर्म होना चाहिए। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नारियल से इसे गार्निश कर देंगे। तैयार है यहाँ पर सुपर सुपर यमी ढोकला। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही जूसी और एकदम एरी बन करके तैयार हो, एकदम लाइट ढोकला है ये। और आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बिल्कुल भी गले में अटकता नहीं है, या फिर आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और अभी ईद है तो आप इसे ट्राई भी कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।